महाराष्ट्र में बीजेपी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत है। बीजेपी ने राज्य की 288 सीटों में 164 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना ने 126 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। दूसरी ओर कांग्रेस ने 147 और सहयोगी एनसीपी ने 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी ने 90 में से 75 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। उधर कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर बनी दुष्यंत चौटाला की अगुवाई वाली जननायक जनता पार्टी भी लोकसभा में हार के बाद अपनी संभावनाओं में सुधार की उम्मीद कर रही है। बीजेपी द्वारा किए गए चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके कैबिनेट सहयोगियों अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान विशेष रूप से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाया और विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना बनाया। वहीं विपक्ष ने केंद्र और राज्यों में बीजेपी की सरकारों को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी के लिए सत्तारूढ़ दल को दोषी ठहराया और नोटबंदी की विफलता और जीएसटी जैसे मुद्दों को उठाया। हालांकि कांग्रेस का प्रचार अभियान फीका रहा, क्योंकि पार्टी अंदरूनी खींचतान और चुनावों से पहले नेताओं के पार्टी छोड़ने से प्रभावित रही। साथ ही राहुल गांधी ने लगभग वही मुद्दे फिर उठाए जिन्हें लोकसभा चुनावों में जनता ने नकार दिया था। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 9 रैलियों को संबोधित किया, वहीं राहुल गांधी ने 6 जनसभाएं की। इस प्रचार अभियान में बीजेपी और शिवसेना के बीच वर्चस्व के लिए जद्दोजहद भी देखने को मिली। वहीं हरियाणा में पीएम मोदी ने 7 रैलियों को संबोधित किया, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 चुनावी रैलियां हुई। इसके साथ ही 17 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी गुरुवार को नतीजे आएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।